हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? तो आज आपका है 5 और 6 मार्च दोनों का मिला करके आज का करेंट अफेयर एमसीक्यू जो है आपको दिया जा रहा है, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और ताकि मैं आगे और वीडियो ला सकूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर बिना किसी देरी के। तो देखो पहला क्वेश्चन जो कहता है ना, विद द रेफरेंस ऑफ ए कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट कब आपका कहता है, इट इज़ इन केरला द वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट भावनी यूजिंग द यूरेनियम 233 इज सेटअप हेयर। तीसरा कहता है इंडियाज फर्स्ट इंडिजियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज सेटअप हेयर। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है आप बताइए, यहाँ आपके ऑप्शन है, ठीक है। 2 सेकेंड का टाइम है, चलो 10 सेकेंड देता हूँ, चलो 10 सेकेंड का टाइम है, बताओ आप। हाँ तो इसका आंसर देखो आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 सही है, कौन सा सही है सर? सेकेंड और थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट सही है। केरल में ये नहीं है सर, केरल में कैसे नहीं है सर? तो देखो क्या कहता है, कहता है आपका देखिए जो 4 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो विटनेस करते हैं द स्टार्ट प्रोसेस ऑफ द कोर लोडिंग इंडिजीनियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट तमिलनाडु। कौन सा स्टेशन में? तमिलनाडु स्टेट में है, ठीक है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि तमिलनाडु में, वहाँ नॉट इन केरल, ठीक है। उसके बाद कहता है, तो पहला स्टेट में आपका गलत हो गया। दूसरा कहता है आपका द वर्ल्ड फास्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका भावनी नाम है आपको, ये सेकेंड स्टेट में आपका सही है जिसमें यूरेनियम 233 आपका सेटअप किया जाएगा, ठीक है। और ये आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। तो आपका ऑफकोर्स 2 एंड 3rd स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट सी बर्ड। सी बर्ड अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट आई थी, उसका स्टेटमेंट है, तो आप लोग प्लीज बताइएगा। तो इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपके पास? 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज टिक करो। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यानी और 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सा गलत है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो ये गलत है, ये विशाखापट्टनम में नहीं है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में जो कह रहे हैं वहाँ नहीं है। कहाँ है सर? तो देखो क्या कहता है, ये जो है आपका, ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ है सर? कर्नाटक में बनाया गया सी बर्ड जो कि नेवल बेस है, कहाँ पर? कर्नाटक में कारवार के पास जो जगह है वहाँ पर ही बनाया गया, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि ऑफ कोर्स ये जब नेवल बेस की बात हो रही है तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार हुआ होगा, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार होगा, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, सॉरी, ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो कह रहा है कि भाबिनी जो कि आप ही रिसेंटली न्यूज़ में सुनने को मिल रहा था, ये क्या है? एक आर्टिफिशियल कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, या वेदर फोरकास्ट डिवाइस है, न्यूली डिस्कवर्ड गैलेक्सी है, या गवर्नमेंट ओन्ड एक कंपनी है? नहीं, 10 सेकेंड का टाइम है, प्लीज़ टिक कीजिए। ओके तो देखो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, ठीक है। ये भाबिनी कैसे गवर्नमेंट ओन कंपनी है सर? देखो क्या कहता है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, भाविनी इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या रहा है? भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी एक गवर्नमेंट कंपनी है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE के द्वारा, ठीक है। जो कि कब हुआ था आपका? 22 अक्टूबर 2003 में, ठीक है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है अंडर किसका? 1956 एक्ट के अंदर, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये जब भी पूछा जाएगा भाविनी क्या है, भाविनी आपका क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग अपना अपना स्कोर बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। देखिए अभी हाल ही में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा था सर्वाइकल कैंसर का इशू, ठीक है। तो ये सर्वाइकल कैंसर को लेकर के ये कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो बताइए मुझे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सही नहीं है या इनकरेक्ट की बात कर रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देखिए कहता है पहला स्टेटमेंट क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर आफ्टर द सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 2023 लॉन्च द इंडिजीनियस HPV वैक्सीन नोन एज सर्वीवैक। थर्ड
फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा था ऑन 4 मार्च ऑब्जर्व है द इंटरनेशनल HPV अवेयरनेस डे। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसका, कितने स्टेटमेंट गलत है ये आपका टिक करना है इस बेस पे, ठीक है। तो 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ टिक कर लो भाई साहब आप लोग। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ओनली 2, ठीक है, केवल 2 सही है। कौन कौन सा, थर्ड और सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट कैंसर क्या गलत है, ठीक है। कैसे गलत है, सेकंड मोस्ट नहीं है आपका, फोर्थ मोस्ट कॉमन डिजीज है आपके वोमेंस में, ठीक है, ये ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। कैसे, आइए स्टेटमेंट सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं जनवरी इज ऑब्जर्व द सर्वाइकल कैंसर जन्म मंथ, जनवरी को हम सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में जानते हैं एवरी ईयर हमारा, और 4 मार्च को जो कह सकते हो वो ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल HPV अवेयरनेस डे, ठीक है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर डेवलप होता है जो वुमेंस सर्विक में होता है, ठीक है। उसके बाद तक कहते हैं इट इज़ द फोर्थ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अ कैंसर एमंग द वुमेन, देखिए कह रहा है इट इज़ द फोर्थ मोस्ट कॉमन, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत ग्लोबली एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन इन वुमेंस इन इंडिया, वुमेंस इन इंडिया, इन इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपका पहले स्टेटमेंट ऑफकोर्स गलत हो जाएगा। सेरम इंस्टीट्यूट कह रहा है कि 2023 में क्या किया था, इंडिजीनियस HPV वैक्सीन बनाया था जिसका नाम क्या था, सर्वेवैक, याद रखिएगा किसने बनाया था सर्वेवैक 2023 में, तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑफकोर्स, देखिएगा वो कोविड की वैक्सीन बनाया था सेरम इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कभी भी किसी भी एग्जाम में, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली UPSC में पूछ ही लिया जाए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि अमराबाद टाइगर रिजर्व है वो आपका कहाँ है, किस स्टेट में है अमराबाद टाइगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिसेंटली हाल ही में न्यूज़ में रहा था, तो प्लीज़ बताइए। हिंट के लिए आप देख लीजिएगा उस स्टेट में हाल ही में अभी इलेक्शन हुए हैं, तो बता सकते हैं आप लोग कौन सा स्टेट में। चलो 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड के टाइम से देख लीजिए क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा आपका, ठीक है। तेलंगाना में आपको पता होगा हाल ही में रिसेंटली में इलेक्शन हुआ था तेलंगाना में, ठीक है। तो तेलंगाना हमें क्या है आपका, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश होता है, बहुत ही फेमस रिपोर्ट है ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक, किसके द्वारा पब्लिश होता है बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन डेवलप इन्वायरमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, और UNEP कहते हैं जिसको, वर्ल्ड बैंक चौथा, ठीक है। तो आप बताइएगा प्लीज़, 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ टिक कर लो। किसके द्वारा बनाया गया, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ग्लोबल रिसोर्स ऑफ आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, यानी आपका स्टेटमेंट सी सही है, ठीक है। कैसे सही है, तो लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका कहता क्या है कि रिसोर्स, ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक जो है फ्लैगशिप रिपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज पैनल पे रिपोर्ट करता है, और ये क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है, ठीक है, उसके द्वारा पब्लिश होता है। और इस साल की बात की जाए तो इस साल क्या हुआ है आपका कि एजेंडा 2030 का बेस पे रख करके मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट को टैकल किया गया है, ठीक है, ऐसे ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस पे तौर पे, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, तो ऑफकोर्स आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बाद में ये कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो क्या ये चाइल्ड राइट्स जो वो अभी कमीशन बनी है वो देखिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है, या उसको जो पॉक्सो एक्ट बना था 2012 में उसके अंडर ये है, या थर्ड स्टेटमेंट कहता है डिफाइन द 0 to 18 ईयर ग्रुप को उसको डिफाइन करता है, या इस कमीशन में टोटल 6 लोग हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बताओ। 10 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास, प्लीज़ टिक कर लो भाई। ओके तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ओनली 1 स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बाकी कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपका पहला स्टेटमेंट देखिए सही हो जाएगा, यानी वो गलत है क्योंकि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, यानी आपका दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी ये दोनों आपका ऑप्शन नहीं होगा, बजाय तीसरा और चौथे पे। तीसरा और चौथे पे देखिए क्या होगा, देखिए आपके सॉल्यूशन में क्या कहता है, कहता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स जो है ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गया वो सही होगा, तो नहीं गलत हो जाएगा। अब किसके अंदर आता है, वुमेन ऑफ चाइल्ड राइट्स CPCR के अंदर आता है, जो 2005 का बात करता है, ठीक है। और किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। तो आपका पहला दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है, तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है।
अब ये कमीशन कहता है मैंडेट करता है प्रॉपर एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड एंड सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट की बात कर रहा है, जो पॉक्सो एक्ट आपको 2012 में लाया गया था, जुवेनाइल जस्टिस जो कहते हैं, जो उसको कह सकते हो कि जो 18 ईयर की बिलो 18 ईयर पीपल होते हैं, उन्होंने कोई क्राइम कर रखा होता है तो उनको जुवेनाइल जस्टिस यानी उनको क्या कह सकते हो कि नाबालिग सुधार गृह में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, जो 2009 का है स्टेटमेंट, सेकंड भी सही है। तो देखिए आपका कौन सा स्टेटमेंट इसमें होगा, तो आपका देखिए फोर्थ आंसर जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें छः मेंबर जो कह रहा है, टोटली 6 मेंबर नहीं होंगे, यानी ये गलत है आपका, बाकी ये 3 3 3 3 1 2 3 तीनों के तीनों सही हैं। ओके चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए यहाँ पर से एक आता है कि ये कंट्री की बात की जा रही है, आपको पता होगा OPEC के बारे में, ठीक है। तो ये कहता है कि कौन जो है, कौन सा कंट्री है जो OPEC का मेंबर नहीं है हाल ही में, OPEC प्लस जो बना है उसमें से कौन सा कंट्री का मेंशन, अजरबैजान, रशिया, कितने कंट्री है, रशिया, मलेशिया, ओमान, कजाकिस्तान, मेक्सिको, इब्रोनी, ठीक है। आपके पास 3 ऑप्शन देख लीजिए, only 4, only 5, only 6, all 7, पूरा 7 होगा या केवल 4 होगा या केवल 5 होगा या केवल 6 होगा, ठीक है। प्लीज़ आंसर कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में इसका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि अभी हाल ही में पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो OPEC बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर जो हो जाएगा इसका ऑल 7 हो जाएगा, यानी पूरे के पूरे जो कंट्री है वो मेंशन है आपके किस में, OPEC प्लस में। कैसे सर, तो देखो क्या कहता है, OPEC प्लस एक ग्रुप ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, ठीक है, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री जहां से एक्सपोर्ट किया जाता है, विच मीट द रेगुलर डिसाइड टू हाउ मच क्रूड ऑयल टू सेल टू द वर्ल्ड मार्केट। वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि कितना जो है तेल वर्ल्ड मार्केट को बेचना है। दिस नेशन केम इन द फॉरवर्ड 2016 में ये बनाया गया था, इंसोशलाइजेशन किया गया था, मतलब फॉर्म किया गया था फ्रेमवर्क, ठीक है, बेसिकली बात की जाए तो। और उसमें कह सकते हो कि इनके किनके इनके बीच में कॉपरेशन की गई थी, तो OPEC और नॉन OPEC के मेंबर के बीच में, ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि उनको उस बेस पे वो प्रोड्यूसिंग करेंगे कंट्री को रेगुलर बेस पे, ठीक है जी। OPEC जो बात कर ली जाए तो OPEC जो प्लस मेंबर हैं जितने कंट्री, उसमें 40% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, एंड मोर देन 80% ऑयल रिजर्व आर प्रूवन, ठीक है। और जैसे में से कह सकते हो कि 80% ऑयल रिजर्व उनके हाथ में है, कब्जे में, मतलब कब्जे में बेसिकली कह लो उनके कंट्रीज हो के आता है, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से हमको पता है, ऑफकोर्स अजरबैजान, बहरेन, ब्रूनी, कजाकिस्तान, रशिया, मैक्सिको, मलेशिया, साउथ सूडान, सूडान और ओमान। यहाँ कन्फ्यूजन है सिर्फ सूडान से, एक साउथ सूडान एक नॉर्थ सूडान की बात कर रहा है, ठीक है। अभी हाल ही में देखिएगा तो बहुत सारा क्लैश देखने को मिला उन दोनों के बीच में, ठीक है। तो जस्ट आपका सही हो जाएगा कि नीचा सातों के सातों देश हमारा सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद द बुर्किना फासो। कौन कंट्री है इनमें से कि जो बुर्किना फासो से आपको लैंड बाउंड्री शेयर करता है। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, प्लीज टिक करो। कौन सा कंट्री है जो शेयर करता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, माली, नाइगर, बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, ये सब आपका क्या होता है, बुर्किना फासो से आपका लैंड बाउंड्री शेयर करता है। बुर्किना फासो आप देख लीजिएगा मैप में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बुर्किना फासो की। देखिए बुर्किना फासो जो कह रहा है उसमें कहा जाता है कि 170 पीपल वर एग्जीक्यूटेड हाल ही में, जो बात कर रहा है अटैक हुआ है वहाँ बुर्किना फासो में रिसेंटली में, नॉर्दर्न बुर्किना फासो कह लीजिए, तो वहाँ 3 गांव हैं, जो 3 विलेज हैं वहाँ अटैक हुआ है, तो वहाँ से कहा जा सकता है 170 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया है, इसलिए वो रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा बुर्किना फासो में, कौन कौन से कंट्री है हमारा, तो हमारा कंट्री देखिए कौन कौन सा था, माली, निगर, बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा कि बुर्किना फासो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, जो कंट्री है बुर्किना फासो ये कौन सा कॉन्टिनेंट में है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, तो जिसका आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है वी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पेयर ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़ इन इंडिया। देख लीजिए इनमें से कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ की प्लेस है, कौन से कंट्री में है, ठीक है। तो मैच कीजिएगा, देखिए कौन सा मॉरिशस का है, कौन सा यमन का, कौन सा मालदीव, कौन सा यूक्रेन का, ठीक है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है इसका, टिक कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इस क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो देखो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, तो ओनली टू स्टेटमेंट से हो जाएगा, दो सही होगा। कौन कौन सा सही होगा, तो आपका ए और फोर, वन और फोर सही हो जाएगा, यानी मॉरिशस। मॉरिशस में कौन सा जगह, अगालेगा जो है मॉरिशस में है, ठीक है। और एबरडीन का बात करिए तो ये आपका यूक्रेन में है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बाकी ये दोनों थर्ड और फोर्थ गलत हैं। कैसे, मिनिकॉय की बात कर लीजिए तो मिनिकॉय हमारा प्यारा भारत इंडिया, जो कि लक्षद्वीप है इंडिया का पार्ट, वहाँ मिनिकॉय है, जहाँ पर INS कह सकते हो जटायु रिसेंटली में क्या किया गया है, बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया। और याद रखिए कि ये जो INS जटायु है, ये लक्षद्वीप का सेकेंड नेवल बेस कह सकते हो, ठीक है, सेकेंड बेस है, ठीक है, जो लक्षद्वीप बनाया जा रहा है जटायु। फर्स्ट बेस आपको याद रखिएगा, फर्स्ट बेस आपका कौन है, द्वीप रक्षक है, ठीक है। फर्स्ट बेस आपका क्या है, द्वीप रक्षक है, और सेकेंड आपका क्या है, ये जो भी बनाया जा रहा है INS जटायु, ठीक है। तो ये आपका हम वहाँ हो जाएगा हमारे, ऑफकोर्स हमें पता होगा कि हम लक्षद्वीप और को लेकर के इंडिया और मालदीव में बहुत ज़्यादा क्लैश रहे हैं, ठीक है। और यमन की बात, ये डॉकम की बात कर ले जाइए, यमन में नहीं है ये, ऑफकोर्स हमारे आपका क्या है, ओमान में है, ठीक है, याद रखिएगा ओमान में है। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा, बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन रहे हैं, और देखिए आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपका देखिए क्या कहता है, ऑफकोर्स अब लगा मॉरिशस में है, ठीक है, और डोकलम जो है ओमान में, देखिए, और मिनिकॉय जो कह रहा है इंडिया डेवलपिंग INS जटायु, ठीक है, अडवी का यू रशिया का है, जो कि सॉरी यूक्रेन का, जो रिसेंटली रशिया ने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों मैंने जैसा कहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन, ठीक है, ये आपका 5 मार्च और 6 मार्च दोनों को मिला करके जितने करंट अफेयर गेम्स चुके थे वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिए। और इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, मैं आपको टेलीग्राम प्रोवाइड करा दूंगा PDF, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।